तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा लोकायुक्त की टीम ने एक ही थाने के एक साथ तीन पुलिसकर्मियों को रिश्वत की रकम लेते हुए रगे हाथों ट्रैप किया है। पकड़े गए पुलिसकर्मियों में थाने के थाना प्रभारी सहित प्रधान आरक्षक व आरक्षक शामिल है। यह कार्रवाई बस कुछ ही देर पहले रीवा के गोविंदगढ़ थाने में रीवा की लोकायुक्त टीम ने की है, जहां टीम द्वारा एक ही थाने के एक साथ तीन पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हुए रगे हाथ ट्रैप कर लिया है। तो इस वक्त यह बड़ी खबर रीवा से है, जहां रीवा लोकायुक्त की टीम ने रीवा के गोविंदगढ़ थाने में पदस्थ तीन पुलिसकर्मियों को एक साथ रिश्वत लेते हुए रगे हाथ ट्रैप कर लिया है। लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए पुलिसकर्मियों में गोविंदगढ़ थाना के थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक जयप्रकाश सिंह बबुआ, आरक्षक राजकुमार शामिल हैं। लोकायुक्त ने इन तीनों पुलिसकर्मियों को वाहनों की एंट्री के एवज में 6,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने रिश्वत की रकम हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह से मांगी थी, जहां आज लोकायुक्त द्वारा की गई सुनियोजित कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने जैसे ही रिश्वत की रकम हाथों में ली तभी उन्हें रंगे हाथ ट्रैप कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा से, जहां रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देश पर 20 सदस्यीय टीम ने रीवा के गोविंदगढ़ थाने में ट्रैप की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई को लेकर इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक लोकायुक्त कार्यालय में जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में वाहनों की एंट्री के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में अधिवक्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद लोकायुक्त टीम ने पूरी कार्यवाही को सुनियोजित करते हुए आज अधिवक्ता द्वारा पैसा देते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को रगे हाथ ट्रैप कर लिया है। इस कार्रवाई में गोविंदगढ़ के थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक जयप्रकाश सिंह बबुआ सहित आरक्षक राजकुमार को एक साथ 6,000 की रिश्वत लेते हुए रगे हाथ ट्रैप कर लिया है। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से, जहां रीवा लोकायुक्त की टीम ने गोविंदगढ़ थाना के थाना प्रभारी सहित प्रधान आरक्षक और आरक्षक को वाहनों की एंट्री के नाम पर 6,000 की रिश्वत लेते हुए रगे हाथ पकड़ लिया है। फिलहाल कार्रवाई अभी जारी है। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ थाने में लोकायुक्त की 2 माह के भीतर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पूर्व थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल सहित एसआई को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया था, जिसके बाद आज एक बार फिर उसी थाने के थाना प्रभारी सहित प्रधान आरक्षक व आरक्षक को एक साथ एंट्री के नाम पर रिश्वत लेते रगे हाथ पकड़ लिया गया है। Thank you.